हाँ ये किसके जगह में आया था वो? ये देखो इसके जगह में आया था, ये डुप्लेसी के जगह आया ना उसके जगह में। तो हमारा डुप्लेसी इस खेला इस टीम में जब खेल रहा है डुप्लेसी, देख सकते हैं आप, तो डुप्लेसी जगह में उसको क्यों नहीं दिया फिर? मेरे को तो ऑटोमेटिक देना चाहिए था उसको, बैकअप टीम में जब मैं रखा हूँ उसको। अब दिखा बैकअप में किसको किसको रखे थे, अब बताओ। बैकअप में दिखा रहा हूँ मैं आपको, बैकअप में रखा हूँ, बैकअप में हर्षल पटेल, एम अश्विन, अशदीप एरावत। जबकि हर्षल पटेल खेला और वो बाहर गया तो उसके जगह में हर्षल पटेल आया, तो हमारा क्यों नहीं ऑटोमेटिक आया? चौधरी बना रहा है ड्रीम इलेवन झाट। हाँ दिखाइए, अनुज रावत भी है उसमें। हाँ अनुज रावत भी है, अशदीप भी है, अशदीप भी है ना। हाँ एम अली, हर्षल भी है, एम अश्विन भी है, मुर्गन अश्विन है ना। हाँ तो ये देखो क्या किया ना, सबसे पहले बॉलिंग कौन किया था? बॉलिंग किया था बॉलिंग वो लोग किया था लास्ट में जो आके खेला ना, हर्षल पटेल पीछे बॉलिंग किया है। हाँ तो यही मिस्टेक हो गया, जैसे क्या हुआ ना, क्या हलो ना कि मिस्टेक क्या हो लगी तब बहुत कोई खेलना छोड़ दे, क्या हलो ने हम छोड़ दो पहले पहले ई बैटिंग कर लो ना, ई का कौन बैटिंग कर लो, ई तोर ई का कलत हूँ, डुप्लेसी लोग बैटिंग किया पहले, बैटिंग किया पहले, बॉलिंग किया ये राजस्थान, तो क्या किया ना माधर चोद, ई आ गया डुप्लेसी, बैटिंग किया तो आ गया। अब जब इन लोग का पारी आया ना, तीन लोग को एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए था, एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए था, तो इसको निकाल दिया, डुप्लेसी को निकाल के और उसके जगह पे डाल दिया, ये आपको सब्स्टिट्यूट में रख के इसको डाल दिया, ये क्या बोलते हैं हर्षल पटेल को, क्योंकि लास्ट मिनट को बॉलिंग चाहिए था। तो ठीक है उसको डाला, तो जब हमारा यहाँ पे जब दिया है, देख रहे हैं कि यहाँ दिया है ये हर्षल पटेल, नहीं तो बैकअप में मत रखिए इसको ना, तो अब लाइनअप में है ही नहीं है तो इसको कहाँ रखिएगा? नहीं बैकअप में इसको नहीं रखना, इसलिए नहीं रखना है ना कि बैकअप में वो आएगा, जैसे मान लीजिए आप टीम बना के भुला गए और पता चला कि नहीं खेल रहा है तो लेज के अपने घुसेड़ेगा वहाँ पे। एक मिनट, क्या कह रहे हैं कि ये बैकअप में नहीं रखेंगे हम, यहाँ बैकअप में इसको जान कब रखना? क्या भी कहने का मतलब सही है, जैसे कि जो नहीं खेला ना उसको, मान ले कि 11 को खिलाड़ी में से तो कोई नहीं खेल लो ना लगे लेता। हाँ। अगर नहीं खेल लो तो वो चार को मतलब ले जाते, एक में जो खिलाड़ी खेलते हो ना ले जाते। सुनिए पहले बात सुन, अगर देख मान ले तू डुप्लेसी ले लेबे नी, अगर वाई देबे तू टीम बना के भुला गेले, चाहे तोरा टाइम नहीं मिलल, 10 गो टीम ले गो नहीं चेंज कर पा, तो जिससे का होती है तोर कि जब तू बैकअप में रखल रहनी, तो अगर मान ले फाफ डुप्लेसी नहीं खेलत रहो, चाहे यहाँ एक्स वाई जेड कोई भी नहीं खेलत रहो, मान ले कर में तो ए अनुज राउत के कर हो बेंगलोर के ना, अगर कोहली नहीं खेलती हो या तो डुप्लेसी नहीं खेलती हो, अब मान ले तू नहीं चेंज कर पाते तो ऑटोमेटिक तो यहाँ से नहीं अनुज रावत की घुसा देती हो। ठीक नहीं होगा वैसे, हम देखा रूप नहीं तुरा बता पहले बतिया, हाँ, समझ तो बता लेना, एक बार हम फिर बात देखे नहीं, अगर बॉलर अगर तू नहीं चेंज कर पाते मान ले कोई भी ओकर, तो हर्षल पटेल मान लेने से कोई बॉलर मान ले सिराज नहीं खेलती हो, ठीक, यहाँ तू हर्षल पटेल का रख ले, हर्षल पटेल को ऑटोमेटिक यहाँ पे बैकअप लेता है इसको, ठीक, तो ये जो है ना वैसे ही हुआ है, नहीं हुआ वैसे, आप उसे बता दिया, ठीक ठीक ना। आप हमको एक और बात बताइए, हम वीडियो बना रहे हैं देखने के लिए, खाली ये बताइए, ठीक है ये वाला तो मान लो इसे हो गया मान लेते इसको, अब ये टीम में आइए शाम वाला में, रात वाला टीम में आइए, ठीक है, इसमें टीम देखिए हमारा कैसा टीम था, ठीक है, इसमें वो आके बैटिंग करके चल गया वेंकटेश अय्यर, आउट होकर चल गया भले नहीं मार पाया, तो उसको क्यों नहीं लिया, लेना था ना यहाँ जब हमारा नीचे बॉलर नहीं था, तो उसके जगह में किसको डाला आप देख लीजिए वहाँ। हम ड्रीम इलेवन ये भी परफेक्ट टीम है मेरा, देख लीजिए कई बार धोखा दिया है, ये भी परफेक्ट टीम है, देख लीजिए कि जो भी हमारा टीम में रखा हो जिसको जिसको ना सब परफेक्ट दिया है, लेकिन देना चाहिए ना, उसके बदला में वो आके बैटिंग करके चल दिया, बताइए घास घसा के क्या वाला में कर रहे, रात वाला है हमारा, दोनों टीम परफेक्ट गया है, हमको खाली इतना बता, किसका बोल रहे, वेंकटेश अय्यर नहीं था टीम शामिल, नहीं था, नहीं था, देख लीजिए, और वेंकटेश अय्यर को यहाँ देखिए मैं रखा हूँ, यहाँ देखिए 28 पॉइंट देके गया है ना, ए एस सिंह 37 पॉइंट, ये दोनों खेल के गया है, बताइए अब हम बोका बन गए वहाँ बना के, तो वेंकटेश के नहीं रख ले, नहीं देखिए यहाँ नीलावती में था ये लोग, वेंकटेश अय्यर और यशोदीप सिंह के यहाँ हाराबती में लाइनअप में नहीं था, ये नीलावती में ही ऐसा ही बत्ती में था, और जब मैं इसको नहीं यहाँ रखा बैकअप में तो आके खेलता ना ग्रुप केकरो जगह में, जब केकरो कोई निकला होगा इसके बदले में, तो ऊपर ही बैटिंग करने आया था वो, नहीं नहीं बताऊं बनाते समय क्या करना है ना, हाँ बनाते समय हमको बना दीजिए, टीम बनाते समय देखिए एगो टीम बनाइए, तो कैसे बनाना है रहेगा तब ना दिखाऊंगा, नहीं नहीं टीम बनाइए ना, आज के टीम बना दीजिए ना, इसको बना दीजिए, तो कैसे बनाना है जब रखे रहेगा ना, हाँ। मैं आपको बताऊंगा, ठीक ठीक, आज भर टीम खेलिए लूंगा ड्रीम इलेवन, ये देखिए हो गया ना, उसके बाद डिलीट कर दूंगा साला, हाँ चलिए बनाइए टीम, बता रहा हूँ
ये अभी नहीं समझ में आएगा, मैं बताऊँ कैसे। जिस समय लाइनअप आएगा ना, ये देखिए, जिस समय लाइनअप आएगा जो सब्स्टिट्यूट में रहेगा ना, उसका ए बिंदु रहेगा, और जो नहीं खेल रहा है, जो नहीं खेल रहा है उसका जो है ना लाल रहेगा, लाल रहेगा। हाँ। तो आपको क्या करना है कि जो जो एकदम उतरेगा उसका सब में हरा रहेगा, ठीक। अब आपको यहाँ पे भी नीचे मिला लेना है कि सब्स्टिट्यूट में इसको रखा है तो पहले बॉलिंग कर रहा है कि बैटिंग कर रहा है, कब किसके जगह में घुसाएगा, उसके बाद भी आपको जो है ना उसका जगह को छोड़ देना है, उसका जगह को छोड़ देना है, जगह को छोड़िएगा तब जाके वहाँ पे लेगा। मतलब कैसे जगह छोड़े हैं, यहाँ करके दिखाइए ना हमको। जैसे मानिए ना कि डेविड मार्नर मानिए नहीं खेल रहा है, लाल हो गया। हाँ। जो लाल हो गया तो नहीं गया, हो गया। लेकिन जिसमें ए बिंदु रहेगा ना वो खेल रहा है, लेकिन कब आएगा गारंटी नहीं है, कब आएगा उसका गारंटी। हाँ, खेलेगा कि नहीं खेलेगा वो गारंटी नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, चार गो में से भाई हो सकता है उसको बॉलर का जरूरत पड़े तो ऑटोमेटिक उसको लेकर रहेंगे टीम में। हाँ, उसको जो है ना यहाँ तलाने चढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिक टीम में लेंगे, पता चला खेल में नहीं किया, जो हरा बिंदु है बस खेला, वो नसीब का बात है, वो गारंटी नहीं खेलेगा। मतलब चौदह बनाने वाला खेल है, बताऊँ माई इलेवन सर्कल में घुसने उसमें नियम नहीं। अब इन साल जो है ना गुड़बक बना रहा है, तब कितना कोई आज बताइए खेलने के। मैं अभी छोड़ूंगा, अभी डिलीट करूंगा, जितना पैसा है इसमें कुछ काच है तुरंत विड्रॉ करूंगा और तुरंत इसको डिलीट करूंगा। ड्रीम इलेवन मारा था ना, अगर ये दूसरा में लगा था ना, 200-400-500 दूसरा वाला में अगर लगा के जो खेलते हैं ना, अब 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 के जो फर्स्ट प्राइज रहता है उसमें आराम से 2,00,000 रुपए जीतता है, आराम से आराम। बताइए लड़वा बक्सो बना दिया, लड़ा धरा दिया। नहीं, लेकिन इसका नियम बहुत खराब है, बताइए ना किसी का नियम। अब होइए सोचिए ना कि बैठे रहे हाथ धोके, अब मेरे को दे रहा, पता चला कि दूसरे को दे रहा है। नहीं, आपको नहीं मिलेगा उसके लिए।